तो दोस्तों हम बात करेंगे GNFC के स्टॉक के बारे में। GNFC के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको पिछले लंबे समय से यहाँ पर लगातार डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जो स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा है। स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर अपना यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार यहाँ पर गिरावट देखने मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.18% की यहाँ पर गिरावट देखने मिल रही है। तो यहाँ से हम अब स्टॉक में बात करें, यहाँ से अब स्टॉक हमारे पास 533 का जो लेवल है ये एज ए नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस सपोर्ट काम करेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन हमको स्टॉक है 518, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन हमको यहाँ पर स्टॉक है 503। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक अगेन 485 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट लेवल सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में यहाँ से रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 551 का पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन हमको स्टॉक में 577, और अगर यहाँ पर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन हमको यहाँ पर स्टॉक में 597, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 622, इसके बाद स्टॉक 664 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस। फिलहाल तो हमको यहाँ पर स्टॉक को सपोर्ट ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो इस स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।